हेलो दोस्तों, आज हम अदरक और मिर्ची से बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनाने वाले हैं जो कि खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होगी। इसको साल भर आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हों तो सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। तो इसको बनाने के लिए हमने 250 ग्राम अदरक लिया है और 10 से 12 लाल मिर्च लिया है। इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं क्योंकि जब मार्केट से अदरक लाते हैं तो उसमें मिट्टी वगैरह लगी रहती है। तो इसको हमने वॉश कर लिया है और इसको हम धूप में सूखने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर 10 से 12 नींबू लिया है। ये बहुत ही अच्छे जूसी नींबू हैं, इसमें पर्याप्त नींबू का रस निकल जाएगा। तो इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं और इसको भी सूखने के लिए धूप में रख देते हैं। तो तीनों आइटम को रख दिया है धूप पर और जब अच्छे से सूख जाएंगे तो उसके बाद इसका यूज़ करेंगे। तो अदरक को हम तोड़कर इसको छील लेंगे, चाहे तो आप चाकू की हेल्प ले सकते हैं छीलने के लिए या पिलर से ये इसको छील सकते हैं छिलनी वगैरह से। तो आप जब इसको छीलें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब अदरक में कोई भी गंदा होता है ना, कुछ कुछ अदरक, तो उसका जो गंदा है या सड़ा हुआ अदरक उसको पूरा अच्छे तरीके से क्लीन कर दें, क्योंकि थोड़ा सा भी यदि ख़राब अदरक यदि चटनी में रहेगा तो चटनी जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। जैसे कि ये ख़राब लग रहा है, काला काला है ना, तो इस वाले पोर्शन को बिल्कुल हटा देंगे। तो यहाँ पर हमने ग्रेटर लिया है, तो इस यहाँ पर हमने मीडियम शेप वाले ग्रेटर का यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं और ना ही ज़्यादा मोटा। तो इसको हम अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं और ऐसे जो कद्दूकस करते करते ये छोटा सा बच जाता है ना, तो इसको आप साइड में रख लें क्योंकि ज़्यादा हम तो कर नहीं सकते, नहीं तो हमारी उंगलियाँ ही छिल जाएंगी। तो ये जो वेस्ट नहीं करेंगे, अदरक का छोटा छोटा पोर्शन को हमने एक साइड इकट्ठा कर लिया है और सभी अदरक के टुकड़ों को हमने ग्रेट कर लिया है। और इस वाले पोर्शन को अभी हम मिक्सर जार में अच्छे से बारीक पीस लेंगे। यहाँ पर जो मिर्ची लिया था लाल मिर्च, तो उसके डंठल निकाल कर हटा देते हैं। मिर्ची भी पूरी अच्छे से तरीके से ड्राई हो जाना चाहिए और नींबू का भी पूरा मॉइस्चर हट गया है, ये भी सूखे हो गए हैं। इसका पूरा नींबू का रस है जो वो निकाल लेते हैं। तो छन्नी से इसका पूरा जो नींबू के रेशे हैं या बीज सारे अलग हो जाएंगे और पूरा नींबू का रस निकाल लिया। तो एक मिक्सर जार में हमने जो अदरक के छोटे छोटे टुकड़े बचे थे उसको ले लिया है और इसी में ये लाल मिर्च के टुकड़े करके ऐड कर देंगे। तो बिल्कुल कम इन्ग्रीडियंट से बनकर तैयार हो जाता है और ज़्यादा कुछ आइटम भी नहीं लगते कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत। हमने मिर्ची भी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा नींबू का जूस इसमें ऐड कर देंगे और इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये अदरक कद्दूकस किया था उसी में ये मिक्सर जार में जो पेस्ट तैयार किया है मिर्ची का, तो मिर्ची का वाले पेस्ट को इसमें मिला देते हैं। जैसे आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो और भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें मिर्ची, लाल मिर्च पीस कर। तो इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस और डालते हुए इसको अच्छे से मिक्सर जार को क्लीन करते हुए पूरे इसी में मिक्स कर देते हैं हम अपनी चटनी में। इसमें हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। जैसे कि हमने यहाँ पे लाल मिर्च पहले ही ऐड कर दी है पीसते टाइम, तो आप यहाँ पर कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको स्टोर करने के लिए कांच के कंटेनर का यूज़ करेंगे। कांच के कंटेनर में ये जो चटनी है ख़राब नहीं होती है, लेकिन यदि आप प्लास्टिक वगैरह किसी भी अदर कंटेनर में आप यूज़ करेंगे इस चटनी को रखने के लिए तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप कांच के कंटेनर का यूज़ करें तो साल भर स्टोर रखेगी। और यदि हाँ आपको एक महीने में ही ख़त्म करनी है तो प्लास्टिक के कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो लेमन जूस है उसको भी ऐड कर देते हैं। यदि आपको नींबू का रस कम लग रहा है तो आप और भी निकाल कर इसमें मिला सकते हैं। इसमें नींबू का रस पर्याप्त होना चाहिए, पूरा अच्छे तरीके से ये जो पूरा अदरक है ना वो डूबा होना चाहिए। इस तरीके से चम्मच चलाने पर ऐसा ऊपर पूरा नींबू का रस आना चाहिए, तब ऐसे करने से आपकी चटनी ख़राब नहीं होगी जल्दी।
और इसको ढक्कन बंद करके लगभग 7 से 8 दिन के लिए धूप में रखेंगे। धूप में रखने से ये चटनी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। 2 से 3 दिन बाद भी आप इसको चम्मच से चलाकर ऊपर नीचे कर देंगे तो चटनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो चटनी बनाने का मेन ट्रिक है कि चटनी में नमक और जो नींबू का रस है ये कम नहीं होना चाहिए। यदि कम होगा तो चटनी आपकी जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। ओके, बाय बाय।